Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Pratiksha, लौट चुके एक न्यू ब्लॉग के साथ. तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. तो गाइज आज मैं सोच रही थी आई लैशेज कराने का. मन कर रहा है, मतलब पर्सनल नीड तो नहीं है बट ऐसे मन कर रहा है तो चलो कराते हैं. हमने तो घर पे बुला लिया था भैया को कराने के लिए. तो चलो अभी ना मैं चेंज कर रही हूँ ना, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है तो इसलिए मैं इसको चेंज करके फिर जा रही हूँ करवाने. आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है, आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए. तो चलो भाई फिर कराते हैं, फिर आपको बताते भी हैं. सो गाइस चेक करो, ये है 12 नंबर. हम 12 कराएं, 15 कराएं, 13 कराएं, समझ नहीं आ रहा है. तो वह कौन सा कराएं, 12? तो गाइस 12 या 13, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप बताओ. हमने डिसाइड किया कि हम 12 नंबर कराएंगे आई लैशेज. तो भाई इसके फ़ायदे तो क्या ही बताऊँ, बाद में बताती हूँ करा के. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे. क्या मतलब कि जो भी होता है इसका, हम थोड़ा लाइट कराऊँ या घने कराऊँ वो चलो देखते हैं, फिर आपको मैं बताऊँगी कि कैसे लग रहे हैं. तो अभी मैं लेट चुकी हूँ आई लैशेज कराने के लिए और भैया कर रहे हैं हमारे आई लैशेज. तो अगर तो गाइस इसकी आंखों का ऑपरेशन अभी स्टार्ट होने वाला है. 5 मिनट में इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. सच्ची मरीज लग रही है. तो गाइस मैं पढ़ चुकी हूँ लंबी और मैं करा रही हूँ आईलैशेस और ये मेरी प्रतिक्रिया स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे आईलैशेस की. और हम आपको अपनी फाइनल लुक बताएंगे अगर आप कराना चाहें तो. वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं जिनको कराना होता है तो आप कर सकते हैं भाई. तो बाकी हम ना आपको पूरे होने के बाद बताएंगे कि आपको बहुत सारे डाउट्स होते होंगे कि कराना चाहिए नहीं करवाना चाहिए. तो भैया इससे साइड इफ़ेक्ट होता है कुछ? अगर मतलब जब उतारने होते हैं तो तब हम कैसे उतारें? मेन क्वेश्चन ये होता है लोगों का. नहीं वैसे रिमूवल आता है तो आप हमें भी रिमूवल दे देना. इसके लिए मुझे को दाना पड़ेगा. ठीक है, और रिमूवर के भी चार्जेस होते हैं. ठीक है, लगाने के भी होते हैं, रिमूविंग के भी होते हैं. तो गाइस सुन रहे हो ना आप, रिमूविंग के भी चार्जेस होते हैं. तो भाई मैं आपको करा के अपनी लुक बताती हूँ कैसे. गाइस देखो मेरे आई लैशेज हो गए हैं, देख बताना मुझे कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट्स करके. और अच्छे हुए हैं. और ना यार पिछली बार मैंने कराया था तो बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह हो रही थी, बट इस बार बहुत अच्छे किए हैं भैया ने यार. करवाना है बट रिमूव भी इनसे कराना चाहिए, खुद नहीं करने चाहिए. खुद अगर आप प्लस करोगे ना तो आपकी जो आई लैशेज है ना वो भी निकल के बाहर आ जाएंगी. मैंने भी एक बार ऐसे किया था तो तब भी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी. तो अभी दीदी के हो चुके हैं स्टार्ट होना. अपनी सेटिंग चेंज कर दी है, सोफ़ा भी और ये भी हमने बिछा दिया है. और मेरे रूम में देखो कितना ज़्यादा गंद पड़ा है भाई, कसम से इतना ज़्यादा खलारा पड़ा है. और मैं 2-3 दिन से सोई नहीं हूँ तो भाई मैं आज पूरे दिन सोई रही. अभी हमने सोचा कि आई लैशेज करा लिया जाए. तो ये सामग्री होती है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं. 11 नंबर, 12 नंबर, ये 20 नंबर है, ये बहुत बड़े हैं. तो भाई हमने लैशेज लगा लिया और ये एक ही नंबर है और अलग अलग, क्योंकि हमारी जो यहाँ वाली आईज होती है यहाँ पे सबसे बड़े लगते हैं, बीच वाली में उससे छोटे, आगे वाली में सबसे ज़्यादा छोटे. स्टार्ट हम करेंगे 13 से, ठीक है. 13 के बाद अगर लोड होगी तो हम 12 लगाएंगे, यानी 12 की इतनी लोड नहीं है. उसके बाद 11, अंदर साइड हमें 10 mm लगाना है, सबसे छोटा 10. ये छोटे लगते हैं. अगर अंदर साइड ज़्यादा बड़ी लगा देंगे तो फिर स्किन पे टच होती है. हाँ, तो यहाँ भी हो रहा है स्टार्ट. और ये गम और ये होता है आई पैचेस, ये आपको बता देती हूँ. तो गाइस दीदी की आईज का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है और वो सो ही गया. चेक करो आप, ओपन 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 ओपन. देखो भाई सो रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं भैया ने. और ये ग्लू होती है, इसे अटैच करते हैं. गुड मॉर्निंग. तो अभी मैं आई थी गोपाल ब्रेकफास्ट करने भैया और दीदी के साथ. भैया को हम ब्लॉग में लेते नहीं है क्योंकि वो कैमरा फेस करने से उनको फोबिया है थोड़ा सा. तो भाई अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चलो गोपाल के अंदर चलते हैं.
तो भाई चेक करो, बड़ी ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी। मैंने ब्लॉग को इसीलिए आज कंटिन्यू किया क्योंकि ना कल ना बहुत ज़्यादा लेट आई लैशेज वगैरह हुए, तो फिर उसके बाद हम मार्केट नहीं जा पाए। अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने, आपको बताएंगे हम क्या लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और क्या सब सारा सीन बता देंगे। और गाइस आई लैशेज कैसे लग रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर करके बताना। आज तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, आईज में वाइट काजल लगाया बस। गाइस देखो ये बच्चियाँ कितनी खुश हैं और इनकी तरह खुश रहना चाहिए। हाय बाय गाइस, यार छोटी सी है स्माइल करती हुई है यार। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अभी करते हैं यहाँ से देखते हैं क्या अच्छा मिलता है क्या नहीं, शॉपिंग वगैरह करते हैं देखते हैं। और मेरे को ना अपने ऊपर लिपस्टिक कराने हैं, बड़े बेपैड़े से लग रहे हैं। तो चलो देखो भाई जा रही है दीदी भी आगे आगे, मेरा कैमरा उस पर गंदा चेक करो। अरे यहाँ पे कोरियन कपड़े मिलते हैं, क्या बोल रहे हो? ये हरिद्वार डाल के नहाएंगे हम। जा यार क्या वो जुगे रहे गाइस, ये हरिद्वार ना नहाएंगे यार। ठीक है ये अच्छा है ना, लाओ। हे माए ये प्रेग्नेंट नहीं होता कोई उन औरतों के लिए? तो नहीं यार, तो अगर हमें यहाँ से पसंद नहीं आया तो हम कहीं और जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे बैगी बैगी शॉर्ट्स होती हैं प्यारी प्यारी सी, चेक करो। सो गाइस हमें यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ना सारे ऐसे फॉर्मल जैसे कपड़े आप देख सकते हैं। ओले 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 ईच को पहनाओ। सो गाइस कैसी कैसी सी हरकतें करती हूँ बस मेरे को देखो। वाओ आई लुक सो ब्यूटीफुल। यस खुद की तारीफ करनी चाहिए, खुद का कॉन्फिडेंस हाई करना चाहिए, बिकॉज खुद से ही प्यार करोगे तो दूसरा बंदा आपसे कर पाएगा ब्रो। सो गाइस अभी हम आए थे मैक्स में, तो अभी मैं मैक्स के अंदर जा रही हूँ। हमें मेरे को वैसे तो श्योर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा क्योंकि अच्छे कपड़े होते हैं यहाँ के और अफोर्डेबल भी होते हैं, तो हम लेंगे अफोर्डेबल कपड़े। वाओ कितनी प्यारी फ्रॉक है, ब्लैक वाइट वाली सुंदर है ना यार। हाँ गाइस अभी हम कुर्ते शुरते देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुर्ताज भी वगैरह भी अच्छे अच्छे होते हैं, तो बाकी बच्चों के भी हैं यहाँ पे, बच्चों को तो लेनी है, बाकी हमने नीचे छोड़ के हैं सिलेक्ट करके अच्छे अच्छे। अरे यहाँ पे देखेंगे हम कुर्ते, लग नहीं रहा कि मैं टॉकी होंगे मतलब सी क्या पता मिल जाए, भगवान ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। सो गाइस अभी ना मैं अपने ये वाले कपड़े ट्राई करके देख रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं, मतलब फिटिंग वगैरह का रहता है ना थोड़ा सा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। ठीक है सो गाइस ये कुछ इस तरह का लग रहा है ड्रेस, चेक कर लो चेक करो। तो लेना चाहिए या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे देखते हैं बाहर जाके क्या बनता है। दीदी से पूछती हूँ कैसा लग रहा है। सो गाइस सेकंड है ये वाली ड्रेस, ये भी वैसे सुंदर है, चेक करो लेनी चाहिए नहीं बताना, अब्बा हम आपको लास्ट में बताएंगे कि मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस ली। एंड थर्ड वन इज ये क्यूट सा सूट, ये लेना चाहिए वैसे तो, ये तो मैं डेफिनेटली लूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, तो ये भाई लूँगी। तो अब चलो अब पहले बस यहीं देखें यहाँ पर, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर और देखती हूँ, अभी हम जूडियो भी जाएँगे। गाइस हमने बहुत सारी शॉपिंग की है चेक करो अब, तो भाई थैले उठा रहे हैं रखे हैं, चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से निकलते हैं, अब हम जा रहे हैं दीदी देखते हैं वहाँ पे क्या है। ठीक है दीदी क्या हुआ आपको, आपकी फेवरेट फ्रॉक नहीं मिली? नहीं अब ठीक होगी, मैं स्टूडियो ये स्टूडियो पहुँच गई ठीक होगी। अब अपनी हो रहा है इतना। ठीक है गाइस जेरी की फेवरेट फ्रॉक नहीं मिली क्योंकि साइज अवेलेबल नहीं था, तो उनका मूड ऑफ हो गया था, सो भाई हमने सोचा था हम सेम सेम लेंगे क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन वीडियोस बनानी थी, तो सेम सेम लेने का सोचा था पर नहीं मिली यहाँ से। देखते सो गाइस अभी हम यहाँ से जूडियो, तो यहाँ से भी हम करेंगे शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो यहाँ पे हमारे हैं ऑक्सफर्ड स्ट्रीट के पास शॉपिंग के लिए, तो गाइस इसको उसकी फेवरेट फ्रॉक नहीं मिली मेरी बहन को, तो ये छिल्ले की बात निकाल दी। तो गाइस चलो अभी हम चलते हैं अंदर और मेरी शक्ल बहुत ही बुत हो गई है, हम कैसे बताएं। गाइस फाइनली शॉपिंग करके
वेले हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे लिपस्टिक ट्राई भी की है, तो मैंने लेनी थी वैसे तो, अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है गाइस, अभी घर चलते हैं तो बिलिंग शिलिंग करवा देते तो वापस के ही नहीं मैं लेना, तब भी अगली बार ले लेंगे कोई चक्कर नहीं, अभी हमने शाम को निकलना है हरिद्वार के लिए। सो गाइस अभी ना मैं ड्रेसेस ला के ट्राई कर रही थी, ये स्टूडियो से लिया है गाइस, मैं ना आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है, और मैंने अपने वीक के ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स में लगाए सिर पर बैठ दी हुई है गाइस, चेक करना मैं ना पूरा पोचा मारने वाली लग रही हूँ, वेट ओ भाई क्या लग रही है ये खुली सी, इसको तो मैं एक्सचेंज कराऊंगी गाइस, बहुत ज़्यादा लूज है, इसकी जगह और कुछ लिया जाएगा, बट ये नहीं, नो नो नो, 10 out of 0। सो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और अब मैं लगी हूँ सोने, तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं चैलेंजेस व्लॉग करूँ, तो गाइस मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि मुझे किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए, आप मुझे चैलेंज ज़रूर देना कि किसी भी चीज़ को लेके, कोई सा भी चैलेंज देना मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, और सेकेंड थिंग कि यार मेरे चैनल को सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप व्लॉग्स ही नहीं देखते हो तो काफ़ी दुख होता है यार, कि मैं बनाती हूँ, मैं रेगुलर बना रही हूँ यार, आप सबके लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा देखा करो ठीक है ना, आपको भी काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरे व्लॉग्स में, और यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करो, और मैं सबके कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मुझे जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगा ना तो मैं उसको पिन भी ज़रूर करूँगी, आई प्रॉमिस यू यूट्यूब फैमिली। तो गाइज फिर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, और मुझे चैलेंजेस ज़रूर देना नीचे कमेंट्स में, और मैं ज़रूर देखूंगी, और नेक्स्ट व्लॉग में चैलेंज वाला लाऊंगी, नो नेक्स्ट आएगा जो मैंने जूडियो से ड्रेसेस ली थी, मैक्स से ड्रेसेस ली थी, वो सारी मैं ड्रेसेस आपको डाल के बताऊँगी कि आपको लेनी चाहिए कौन सी ड्रेस का, कैसा लग रहा कैसा नहीं, ठीक है ना, और कितने की हैं वो सारा मैं बताऊंगी, ठीक है, तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, और उसके नेक्स्ट वाला मैं चैलेंज व्लॉग बनाऊंगी, तो आप मुझे ज़रूर चैलेंज देना और मैं वो एक्सेप्ट करूंगी। तो माय यूट्यूब फैमिली आई लव यू सो मच, एक तो मैं अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ, और सेकेंड आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, मेरा दिल से मैं बोलती हूँ आपको, मैं दिल से प्यार करती हूँ क्योंकि आप सबकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।